हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं अमित यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी एट पूछो। तो आज मैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका कुछ टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है, जिसमें हम स्टोइकोमेट्री की बात करेंगे। इससे पहले जो है थोड़ा सा सम बेसिक कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक बात की गई है, यहाँ पे हम स्टोइकोमेट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो हम ये पर्टिकुलर क्लास 11th के लिए जो 2 ईयर का प्रोग्राम है हमारा, उसके लिए इस लेक्चर को हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम आइए आगे देखते हैं स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, स्टोइकोमेट्री बेसिकली हम उनको देखते हैं जो केमिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, केमिकल इक्वेशन बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मोल मोल के बीच में रिलेशन या मोल मास के बीच में रिलेशन या मोल वॉल्यूम के बीच में रिलेशन, इनके बारे में चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टोइकोमेट्री जिसको हम बोल सकते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, केमिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक। सबसे पहले तो हम समझते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले बेटा बात करें हम कोई भी रिएक्शन, हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, जब हम कहते हैं कि कोई भी चीज दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल आपस में क्या करें, रिएक्ट करें, रिएक्ट करके कोई नई चीज बनाते हैं, क्या करते हैं, कोई नई चीज बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो नई चीज नई आइडेंटिटी के साथ फॉर्म होगा। अब यहां पे अपने आप तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा कि जब दो या दो से ज्यादा चीज को हम रिएक्टेंट टर्म यूज करते हैं, उनके बीच के बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद नई चीज न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ फॉर्म होगी। तो डेट इज पहले बॉन्ड का ब्रेकिंग, फिर बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा आपका, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग या इंटरेक्शन ऑफ टू आर मोर देन टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ विच इंटरेक्ट टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड विच न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो बेसिक डिफिनेशन है, जिसमें ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड क्या होंगे, फॉर्म होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। दूसरा टर्म आता है बेटा केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। पहला होगा केमिकल रिएक्शन, दूसरा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होगा, जो हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं उसमें हमने बोला कि भाई दो या दो से चीज वहां पे जब उन्हीं रिएजेंट को जब हम उनके सिंबल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम केमिकल इक्वेशन। अब देखो इन दोनों चीजों को हम एक साथ समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा बेटा कि हाइड्रोजन, क्या कहा हमने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया बेटा, वाटर। क्या बनाया आपका, वाटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारी, केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इसी को, हाइड्रोजन आपको मालूम है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, O2। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा आपका, H2O। क्या बन गया आपका, वाटर बना। तो ये जो रिएक्शन आपको मिली, जो ये इक्वेशन मिली, इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में दो पार्ट होता है, एक जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, दूसरा हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो याद रखना, आपको यहां ध्यान देना होगा कि जो जब भी हम कोई इस तरीके से R P, R का मतलब रिएक्टेंट, P का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन इक्वेशन लेफ्ट साइड ऑफ एरो। किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड पे जो चीजें होंगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट। क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट बोला जाएगा। बात समझ में आई। तो ये बेसिक चीजें, किसी भी क्वेश्चन जब हम लिखते हैं तो एरो के लेफ्ट साइड के पार्ट को हम रिएक्टेंट या रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, और राइट साइड के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे हम बात करते हैं बेटा, इक्वेशन जब हमने बात कर ली तो उसमें हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन,
ठीक है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब यह होगा कि जब किसी इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट साइड इज नॉट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट जब इक्वल नहीं होंगे तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस्ड क्या होगा भाई? बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बराबर होंगे तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे आप देखो, हमने कहा कि भाई कोई एक हमने इक्वेशन लिखी, हमने कोई एक इक्वेशन लिखी, हमने कहा कि भाई एन टू प्लस एच टू मिलकर के क्या बेटा बनाएगा? अमोनिया। क्या बनाएगा आपका? अमोनिया। ठीक है, ये हमको मालूम है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। अब देखो भाई, यहां पे देखो नाइट्रोजन कितने एटम है? दो। हाइड्रोजन कितने? दो। ठीक है, इस साइड देखो नाइट्रोजन कितने एटम है? वन। हाइड्रोजन के कितने? तीन। मतलब भाई यहां पे नाइट्रोजन आपको इस साइड में दो है, हाइड्रोजन भी दो है, लेकिन बेटा इधर नाइट्रोजन कितना है? वन। और इधर हाइड्रोजन कितना है? थ्री। तो अब आप खुद देखो, यहां नाइट्रोजन दो, यहां वन है, इधर टू है, इधर थ्री है, मतलब रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है। तो अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो अब हमें क्या करना होगा भाई? बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे कैसे? हम हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे इसको? जनरल इन टर्म्स यहां पर तो एक चीज लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ All the elements in reactant side is not equal to all the atoms of elements in product side. Product साइड। ठीक है, तो जनरली इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब बात है भाई, चलो अनबैलेंस देख लिया, तो बैलेंस क्या होगी? तो बेटा बैलेंस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होगा आपका? कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स All the elements in reactant side is equal to number of atoms of all elements in product side. Clear? अब देखो ये बेसिक चीज है भाई, बैलेंस का क्या होगा? दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे हम इसी इक्वेशन की बात करें बेटा, N2 plus H2 plus NH3 की, तो अब देखो अब हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इसको हम भाई हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे? अब देखो, पहले हम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन के इधर कितने एटम है बेटा? टू। तो यहां पर हम टू कर दें। ठीक, हाइड्रोजन इधर दो है, लेकिन इधर हाइड्रोजन देखो कितना है? थ्री। और कितने टोटल अमोनिया कितना है? टू मॉलिक्यूल। तो टू थ्री जा कितना हो जाएगा? सिक्स। तो बेटा हम यहां पे क्या कर दे? थ्री कर दे। हो गया रिएक्शन बैलेंस, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा हम? बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, अब ये तो हम समझ गए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं स्टाइसियोमेट्री कोफिशिएंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? स्टाइसियोमेट्री कोफिशिएंट के बारे में। तो देखो बच्चे, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट, अब देखो जब भी कोई हम रिएक्शन लिखते हैं, जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो उस
के इक्वेशन में जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के बाद हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो उसके आगे एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखी जाती है, उसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट। इन जनरल पहले हम समझते हैं, जैसे मान लो हमने कहा बेटा कि कोई रिएक्शन ए प्लस बी, चेंज किस में हो रही है आपकी, सी प्लस डी में चेंज हुई, सी प्लस डी में चेंज हुई, इसका स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट मान लो ए हमने ले लिया, P ले लिया, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट Q ले लिया, इसका हमने ले लिया R और इसका ले लिया S, ठीक है। तो जो ये हमने यहां पे जो कोएफिशिएंट जो यूज कर रहे हैं, जो हमने यहां पे कोएफिशिएंट यूज किया, इन कोएफिशिएंट्स को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट्स, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ये जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट। किसमें ये रिएक्शन कैसे होनी चाहिए आपकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन कैसा होना चाहिए बेटा आपका, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो भी नंबर प्रेजेंट होगा, जो बैलेंस रिएक्शन में, हमेशा याद रखना बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, तो उस कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम आगे, जैसे मान लो बेटा हमने कहा, जैसे हमने अभी बेसिक इक्वेशन लेके चला कि भाई हमने कहा कि भाई N2 प्लस H2 क्या बनना था आपका, NH3। रिएक्शन में क्या था आपका भाई, N2, ठीक है, प्लस 3H2 2NH3। तो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे, 1। तो नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा, 1। हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, 3। एंड अमोनिया का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, 2। याद रखना हमने क्या बोला आपसे कि जो भी रिएजेंट हो, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन में उसके आगे जो नंबर होगा जो लिखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। यहां नाइट्रोजन N2 के आगे 1, H2 के आगे 3, NH3 के आगे 2, तो 2 इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया, 3 इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन, एंड 1 इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज द बेसिक थिंग्स, ये आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चे, ये समझोगे तभी आगे चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे मान लो हमने कोई दूसरी इक्वेशन ले ली, हमने कहा था कि चलो KClO3, KClO3 को जब हम बेटा हीट करते हैं तो किसमें ब्रेक होगा, KCl प्लस O2 में। भाई ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन, क्या अनबैलेंस्ड है पहला। अब हमको क्या करना होगा बेटा, बैलेंस करना होगा। कैसे करेंगे बैलेंस, तो अब समझो, पहले हम कर भाई देखिए, पोटेशियम हमारा इधर 1 है, इधर 1 है, क्लोरीन 1 है, चलो भाई क्लोरीन भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2। तो अब एक काम करते हैं हम कि भाई यहां पे यदि हम 2 कर दें, क्या कर दें, 2 कर दें, तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहां पे ये कर दिया 3 O2। अब 2 पोटेशियम 2 Cl, तो यहां पे हम 2 कर दें, हो गए रिएक्शन बैलेंस, हो गए रिएक्शन बैलेंस। तो अब देखो भाई, जब रिएक्शन बैलेंस हो गई तो अब इसका यदि हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करें तो कितना है 2, KCl के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, एंड ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा 3 है, कितना है 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या पता कर सकते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्लियर। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है जो अभी हमने आपको दी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पे, किस पे, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक। अब कहोगे सर ये क्या स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, केमिकल बेस्ड इक्वेशन जो होते हैं उनमें जब हम रिलेशन देखते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मान लो वेट दे दिया, मोल दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, इनके इन्हीं में कोई दूसरा चीज पूछ रहा आपसे, तो उस तरह के जो कैलकुलेशन जो केमिकल इक्वेशन बेस्ड होती है उनको हम बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो यहां पर पहले बेसिक से बात करते हैं, पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्या चीजें होंगी बेटा। देखो सिंपल सी बात, हम पहले बात करते हैं मोल मोल एनालिसिस की, हम कोई एक चीज को समझ लें तो बाकी हमारे लिए क्या होगा, प्रोसेस पूरा आसान हो जाएगा।
ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन दे उससे हम क्या निकाल लें, मोल निकाल लें। जब मोल निकाल लेंगे तो उसी के रिस्पेक्ट में हम दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का भी मोल निकाल सकते हैं। जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोल हमें पता चल जाएगा तो हम मोल कॉन्सेप्ट के जो तीन फार्मूले हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उससे हर एक चीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं जो अभी हमें लिखी थी, उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे कैसे कैसे हम चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आप एक जनरल इक्वेशन आप देखो। जैसे मान लो हमने अभी जनरल इक्वेशन लिया था कि ए प्लस बी चेंज किसमें हो रहा बेटा, सी प्लस डी में। क्लियर, चलो हमने कहा भाई इसका कोफिशिएंट कितना था पी, इसका कोफिशिएंट कितना था क्यू, इसका कोफिशिएंट आर, और इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा एस। क्लियर, पी क्यू आर एस। तो हम क्या करें, जो भी हमें इंफॉर्मेशन पता है उससे क्या निकाल लें, मोल निकाल लें। मोल के बाद इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखें, ए के मोल को हम बेटा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए। ठीक है, बी का मोल क्या होगा, एन बी, सी के मोल को एन सी, एंड डी के मोल को हम एन डी। तो हम इक्वेशन ऐसे लिखें, एन ए अपॉन पी, मतलब जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, इक्वल टू एन बी अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इक्वल टू एन सी अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इक्वल टू एन डी अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखो बेटा ये एक हमको बेसिक रिलेशन चारों मिल गया। अब आप खुद सोचो, इतनी तो भाई मैथ हम सबको आती है, ठीक है, कोई भी बच्चा हो उसको मैथ आती है भाई, 10th में 11th में इतना तो मालूम है भाई, इक्वेशन यदि आ गई तो हम एक चीज हमको दे दिया गया तो बाकी चीजों के बारे में तो हम निकाल ही सकते हैं। मान लो हमको कहा गया कि भाई एन ए के बारे में हमको एन ए दे दिया गया तो हम एन बी भी निकाल सकते हैं, एन सी भी निकाल सकते हैं और एन डी भी निकाल सकते हैं, या कोई भी एन सी के बारे में पता चल गया तो भी हम बाकी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ठीक, तो अब देखो बेटा जब ये बेसिक हमको चीज पता चल गई तो हम इसी इक्वेशन को बार बार यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, केमिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चे तो अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन ये लेते हैं बेटा, जैसे मान लो हमने कहा अमोनिया लिया, ठीक है, हमने ले लिया बेटा अमोनिया, सबसे सिंपल चीज़ अमोनिया डीकम्पोज होगी बेटा किसमें, N2 प्लस H2 में। आपको क्वेश्चन में ये कहा गया कि अमोनिया जो है 334 ग्राम में, कितना है बेटा 34 ग्राम अमोनिया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ये हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो कितना मोल होगा, उसका वॉल्यूम पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, मोल वॉल्यूम एंड वेट, तीन चीजें पूछी जा रही हैं। क्या पूछी जा रही है, तीन चीजें, मोल वॉल्यूम एंड वेट। तो भाई देखो ये इक्वेशन है लेकिन बैलेंस नहीं है, तो हमारा पहला काम क्या होगा, बैलेंस करना होगा। बात समझ में आई, ठीक है, बिना बैलेंस के बच्चे आगे मत बढ़ना, नहीं तो सब खेल गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलो तो भाई बैलेंस करने का मतलब नाइट्रोजन दो भाई दो कर दिया, दो छह हाइड्रोजन, मतलब यहां पे तीन हो गया। ठीक है, चलो अब बेटा देखो, अब एक हम यहां बात करते हैं भाई, 34 ग्राम आपको दिया है तो हम पहला हमने बोला आपको, पहले बोला था क्या निकाल लें, हम मोल निकाल, जो भी वेट दिया हो उससे हम क्या निकाल लें, मोल निकाल लें। तो भाई चलो हम NH3 की बात करते बेटा, तो NH3 का मोल NH3, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवेन मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ गिवेन सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। तो बेटा यहां क्वेश्चन में कितना इसका मास दिया गया आपको, 34 ग्राम, तो बेटा हमने यहां पे लिख दिया 34 ग्राम। ठीक, NH3 का मोलर मास कितना होता है, 70, भाई नाइट्रोजन कितना होगा 14 और हाइड्रोजन 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 17 ग्राम, तो बेटा कैंसिल, कितना आ गया बेटा 2 मोल। ठीक है, तो बेटा NH3 कितना आ गया आपका 2 मोल आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या चीजें पूछी गई, हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन, जैसे वहां पे हमने इससे पहले इक्वेशन जनरल लिखी थी, वैसे यहां पे लिख लें, लिख लें श्योर, चलो तो लिखते हैं भाई NH3 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। अब हमें हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो हमने लिख लिया NH2 अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। अब भाई NH3 हमारा कितना आया था 2 अपॉन 2 इक्वल टू NH2 अपॉन 3। तो बेटा देखो यहां से ये कैंसिल हो गया,
एनएच टू कितना हो गया आपका 3 मोल, कितना हो गया 3 मोल, मतलब ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का मोल कितना आ गया आपका 3। लेकिन मोल ही तो हमसे पूछा नहीं क्वेश्चन में, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम भी बता दो वेट भी बता दो। तो देखो बेटा, अब हमें जब मोल पता चल गया तो हमें मालूम है हाइड्रोजन यहां पे क्या है, गैस है, ये भी क्या आपका गैस है, ये भी क्या है गैसियस फेज में है, ठीक है। तो हमें फार्मूला मालूम है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी, होता है हमारा एक फार्मूला। दूसरा हमें मालूम है बेटा मोल का फार्मूला, एन इक्वल टू मास ऑफ गिवन सब्सटेंस, ठीक है, मास ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, ये होता है आपका थर्ड जो बेटा मोल का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन Na फॉर एवोगैड्रो नंबर। तो ये तीन फॉर्मूले को बेटा हमेशा आपको ध्यान रखने होंगे जो मोल के फॉर्मूले हैं। अब हमको जब मोल पता चल गया है, क्या पता चल गया मोल, तो बेटा हम उसका वॉल्यूम बता सकते हैं, जी हां बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। देखो यहां देखो मोल का मोल हमको पता है गिवन वॉल्यूम, मतलब यहां पे गिवन वॉल्यूम नहीं बल्कि ये चीज आपसे क्या पूछी जा रही है 22.4। तो बेटा जब वॉल्यूम ऑफ VH2 के दिन बात करें यहां पे, तो VH2 कितना हो जाएगा भाई N इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। तो N कितना है 3 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक। चलो अब दूसरी चीज क्या पूछी गई, वेट। तो अब देखो बेटा यहां से सॉरी इस फॉर्मूले से मास ऑफ गिवन सब्सटेंस, मोल दिया है मोलर मास तो हमको मालूम है हाइड्रोजन है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी को हम निकाल सकते हैं भाई, यहां पे गिवन नहीं, यहां पे हमसे पूछी जा रही है वही चीज। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वेट इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। तो भैया मोल कितना है आपका 3, मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होगा बोलिए 2, तो कितना हो जाएगा 6 ग्राम। क्लियर, देखो कितने आसानी से आप इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, बात समझ में आई। तो देखो ये बेसिक सा हमने क्वेश्चन लिया जो आपको समझाया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजों को। देखो बेटा जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फर्स्ट टाइप के हमारे पास इक्वेशंस आएंगे, उस इक्वेशन में क्या होगा, ये तो हमने बेसिक अभी समझाने के लिए बात किया। अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन उनके बारे में दिया होगा। तो पहले देखो बच्चे, रिएक्शन हमारे पास 3 तरह मिलेंगे। पहला जो केस होगा उसमें होगा कि सिर्फ हो सकता है सिर्फ एक ही एक रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, प्रोडक्ट एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके की रिएक्शन होगी कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे बट इंफॉर्मेशन सिर्फ केवल एक रिएक्टेंट के बारे में दी होगी, केवल एक। तीसरा जो केस होगा जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और मिनिमम 2 के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन दी होगी और बाकी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो चलो हम सबसे पहले केस पे आते हैं, इन विच रिएक्शन इन विच ओनली 1 रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, किस पे, रिएक्शन इन विच ओनली 1 रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, रिएक्शन इन विच ओनली 1 रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। चलो अब बेटा इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। हमने कहा कि मान लो हमने ले लिया पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट ले लिया हमने KClO3, हमने कहा कि भाई KClO3 का वेट ले लिया कुछ अमाउंट एक ले लिया कि भाई 367.5 ग्राम KClO3 लिया और उसमें पूछा जाएगा उसको हीट करें तो KCl+O2 फॉर्म हुआ। तो O2 जो फॉर्म हुआ उस कितने मोल एंड कितने वॉल्यूम फॉर्म हुआ, तो क्वेश्चन हम लिखते हैं फाइंड द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP एट
एचटीपी आफ्टर डीकंपोजिशन ऑफ थ्री सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव ग्राम KClO3। ठीक है, 367.5 ग्राम KClO3 का हीट करने पे कितना वेट एंड कितना वॉल्यूम O2 का आपको मिलेगा। तो सेम जैसे हमने अभी आपको मेथड बताया, बिल्कुल उसी तरीके से हम फॉलो करें चीजों को, बिल्कुल। तो चलो भाई, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इक्वेशन लिखे। इक्वेशन क्या होगा भाई, KClO3। KClO3 को जब हीट किया जाता है तो किसमें ब्रेक होता है आपका, KCl प्लस O2 में। किसमें ब्रेक होता है आपका, KCl प्लस O2 में। ये तुमको भाई पता चल गया इक्वेशन, ये क्या अनबैलेंस्ड है। कैसे ये अनबैलेंस्ड, हमारा काम क्या होगा, बैलेंस करना बाय हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू। क्या करेंगे हम इसको, बैलेंस करेंगे। तो लो भाई, बैलेंस करने के लिए अभी हमने इससे पहले बैलेंस किया था, तो यहां 2 कर दो, यहां 2 कर दो, और यहां क्या कर दो, 3। हो गया रिएक्शन बैलेंस। अब देखो बेटा, इसमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया है आपको, रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक, जब रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है बेटा, और वो भी कितना, 367.5 ग्राम, तो हम यहां से इसका मोल निकाल लें। ठीक है, तो भाई देखो, मोल निकालने के लिए भाई n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 367.5 KClO3। KClO3 का वेट कितना होगा भाई, तो देखो वो भी कैलकुलेट कर लो, 39 प्लस, ठीक है, 35.5 प्लस 3 × 16, ये टोटल हो जाएगा बेटा 122.5। ठीक है, तो लो भाई 122.5, तो ये कितने टाइम जाएगा बेटा, लगभग एग्जैक्ट 3 टाइम्स। तो हमें पता चल गया KClO3 का मोल। तो बेटा जब A का मोल चल गया, तो हम रिलेशन लिख सकते हैं, चलो भाई वो भी लिख ले हम, N KClO3 अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। N O2 अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब बेटा हमको मालूम है N KClO3 कितना आया, 3। तो 3 आया, तो लो भाई 3/2 इक्वल टू NO2/3। तो बेटा यहां से NO2 कितना हो जाएगा आपका, NO2 कितना हो जाएगा, 9/2, दैट इज 4.5। तो हमें मोल पता चल गया किसका, O2 का। O2 का भाई हमको मोल पता चल गया, कितना है आपका, 9/2 या 4.5। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, वेट एंड वॉल्यूम। तो बेटा जब वेट पूछा गया है, तो आपको मालूम है जब वेट पूछा जाएगा तो क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। तो भैया देखो, 9/2 इंटू मोलर मास, ऑक्सीजन कितना होता है आपका, 32 ग्राम, तो 32 कैंसिल 16, तो 9 × 16 कितना हो जाएगा आपका, 144 ग्राम। क्लियर, अब दूसरी चीज आपसे क्या पूछी गई है, वॉल्यूम ऑफ O2। भाई यहां पे क्या, ये गैस है आपका, तो वॉल्यूम ऑफ O2 जब पूछा गया आपसे, तो क्या होगा, मोल इंटू मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर। तो मोल कितना है भैया, 9/2 × 22.4, ठीक है, तो कैंसिल करो, कितना हो जाएगा, 11.2, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 11.2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना इसको, ठीक है, लीटर। तो इस तरह देखो कितना आसान तरीका, जिससे आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, बात समझ में आई। लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं कि हमेशा आपको रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दो और प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा हो सकता है कि रिएक्शन आपको प्रोडक्ट के बारे में भी चीजें दी जाए और उससे रिएक्टेंट के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाए। ठीक है, चलो तो हम वो भी क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर, आगे बढ़े। ओके, अब देखो, जैसे मान लो हमने कहा, बेटा जैसे मान लो हमने ले लिया कि कोई, मान लो सॉल्ट ले लिया हमने, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमको क्या क्या मिलता है, CaO प्लस CO2 मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा आपसे कि इंफॉर्मेशन दे दिया CO2 का, CO2 का मान लो आपको दे दिया नंबर ऑफ पार्टिकल, दे दिया क्या, दे दिया नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वॉट इज द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्वेश्चन हम लिखते हैं यहां पे बेटा, वॉट इज द वेट ऑफ
CaCO3 required to produce 1.2 × 10^24 number of CO2 molecule. What is the weight of CaCO3 required to produce 1.2 × 10^24 number of CO2 molecule after decomposition? After डीकम्पोजिशन, क्लियर? तो कहने का मतलब भाई डीकम्पोजिशन की बात करो तो इसका मतलब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे CaCO3. CaCO3 को जब आप हीट करोगे तो किसमें ब्रेक होगा आपका? CaO + CO2. किसमें ब्रेक होगा? CaO + CO2. अब देखो बच्चे, रिएक्शन को बैलेंस करें. कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3. ऑलरेडी रिएक्शन क्या आपके बैलेंस है, तो कुछ बैलेंस करने का कोई जरूरत है ही नहीं. ठीक है, तो अब देखो यहां पे अब आपको इन्फॉर्मेशन बेटा किसके बारे में दिया गया है? CO2 के बारे में. ठीक है, CO2 में क्या दिया? नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है. तो बेटा जब नंबर ऑफ पार्टिकल हमको दिया, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दिया हुआ है, तो सब नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं ना? बोलिए, आ सकता है ना? बिल्कुल श्योर निकाल सकते हैं. तो कैसे निकालेंगे देखो बच्चा लोग, बहुत ही आसान चीज है, इसको समझो आराम से आप, है ना. अब नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिया है कितना? 1.2 × 10^24. ठीक है, तो हम एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? अपन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.023 × 10^23. तो हम जब ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट में दिया है, तो हम एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू किस में लेंगे? अप्रोक्सीमेट में कितना होगा? 6 × 10^23. ठीक है, तो 6 × 10^23. तो बेटा इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 6 से इसको कैंसिल किया तो कितना हो गया? 0.2. ऊपर कितना बच गया? 10. तो डेट इज कितना हो गया? 2 मोल. तो ये कितना हो गया भैया? NCO2 हमारे पास आ गया 2 मोल. अब आपसे भाई पूछा क्या गया है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में कि कितना वेट रिक्वायर्ड था इतने को फॉर्म करने के लिए. तो भाई हम फिर इक्वेशन वही लिखे, NCaCO3 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, NCO2 अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अब देखो यहां से एक चीज और रिलेशन निकल के आ रहा है कि NCaCO3 इक्वल टू क्या हो गया? NCO2. और वो कितने के बराबर हो गया बेटा? 2 मोल के बराबर. तो इसका मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन में, इक्वेशन में जिनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होंगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे. बात समझ में आई? देखो जादू. ठीक है, तो ये चीज समझ में आया आपको? तो इसका मतलब NCaCO3 का मोल कितना हो गया? 2 मोल. जब हमको पता चले इसका कितने मोल है? 2 मोल है, तो वेट निकाल सकते हैं. बिल्कुल जी हां, तो वेट इक्वल टू क्या होता है बेटा? मोल इनटू मोलर मास. मोल कितना है? 2. अब एक CaCO3 का मोलर मास कितना होगा? तो भाई चलो देख लेते हैं हम. CaCO3 कैल्शियम कितना होता है बेटा? 40. कार्बन कितना हो गया? 12 प्लस 3 इंटू कितना हो गया? 16. तो कितना हो जाएगा आपका? 16 जब 48 प्लस 12, ठीक है, 60 प्लस 40 कितना हो गया आपका? 100. तो ये कितना हो गया बेटा? 100 ग्राम. तो लो भाई मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? 200 ग्राम. तो इसका मतलब जो हमें कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा? 200 ग्राम रिक्वायर्ड होगा टू प्रोड्यूस द 1.2 × 10^24 नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल. ओके चलो, ये हमने एक टाइप की रिएक्शन देखी. अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे सेकेंड टाइप पे. ठीक है, सेकेंड टाइप में क्या करेंगे हम, उसमें चीजें हम देखेंगे दो चीज. हमने आपको बोला कि जो सेकेंड टाइप का होगा उसमें टू और मोर रिएक्टेंट प्रेजेंट बट इंफॉर्मेशन is given about only one reactant. ठीक है, but information is given about only one reactant. जैसे अब नॉर्मल से हम एक छोटा सबसे सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं भाई. हमने कहा कि बेटा N2 plus H2 रिएक्ट किया, क्या बनाया आपका? अमोनिया बनाया. ठीक है,
अब आपको मालूम है रिएक्शन जब बैलेंस करते हो तो N2+3H2 2NH3 बनता है। अब सिर्फ आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया कि जो N2 है, मान लो N2 कितना कर दिया, 5 मोल, कितना बोल दिया 5 मोल। अब आपसे पूछा जाए कि जो ये अमोनिया बना इसका मोल कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा और वेट कितना होगा, ये तीन चीजें पूछी जाए, तो जैसा पहला था वैसा ही बिल्कुल सेम है, कोई अंतर इसमें नहीं होगा। क्लियर? जैसे देखो 5 मोल ये है तो भाई हम रिलेशन क्या लिखेंगे, N N2 upon 1 equal to N NH3 upon 2। तो बेटा N N2 कितना है यहाँ पे, 5/1 N NH3 upon 2। तो बेटा यहां से N NH3 कितना हो जाएगा आपका, 10 मोल। तो जब हमें पता चल गया इसका, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, 10 मोल। जब 10 मोल पता चल गया बेटा तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, N into 22.4 liter। तो बेटा 10 into 22.4 तो कितना हो जाएगा आपका, 224 liter। क्लियर? अब आपसे वेट पूछ दिया तो बेटा वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू N into molar mass। तो भाई 10 इंटू अमोनिया का मोलर मास कितना होगा बेटा, 17। तो 17 10 जाए कितना हो गया, 170 ग्राम। 170 ग्राम। क्लियर? ये एक बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम अगला एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि कोई हाइड्रोकार्बन ले, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का आपको कुछ भी दे दिया, मान लो वेट दे दिया, मोल दे दिया, कुछ भी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। अब उसका जब हम कंबसन करते हैं तो कंबसन का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हम उसको रिएक्ट कराएंगे। तो हमारा कंबसन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, CO2 and water। तो क्वेश्चन है, जैसे मान लो हम सबसे सिंपल सी बात करें कि मिथेन ले लिया हमने, हमने बोला कि 8 ग्राम मिथेन, ठीक है, 8 ग्राम मिथेन को रिएक्ट करने के लिए कितने ग्राम या कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लीटर ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबसन ऑफ, मान लो ले लिया 8 ग्राम CH4, कंप्लीट कंबसन ऑफ 8 ग्राम CH4। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, पहला हमारा काम क्या होगा कि भाई हम इक्वेशन लिखें CH4 का कंबसन का मतलब ऑक्सीजन का रिएक्ट कराओ। हमेशा हाइड्रोकार्बन जब कंप्लीट कंबसन होता है क्या प्रोड्यूस करता है आपका, CO2 plus वाटर, क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 and water। तो देखो बेटा पहला हमारा काम क्या होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना। अब कैसे बैलेंस, इधर देखो कार्बन कितना है, 1, चलो इधर भी 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 4, ठीक है, इधर कितना है, 2, ठीक है। तो भाई देखो कार्बन बैलेंस हाइड्रोजन 4 है, तो हमने यहां पे क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब देखो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने है भाई, तो 2 ऑक्सीजन + 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 बैलेंस हो गए रिएक्शन बैलेंस। देखो कार्बन 1 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, 4 ऑक्सीजन, 2 यहां पे और 2 यहां पे, हो गई बैलेंस। चलो अब आपको बेटा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया हुआ है, मिथेन के बारे में, ठीक है। तो बेटा चलो यदि मिथेन है तो इसका मोल निकाल लें, कितना होगा, 8 upon 16, इसका मास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/2, दैट इज 0.5 मोल। तो बेटा जब हमें इसका मोल पता चलेगा तो इसका मोल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, NCH4 upon 1 equal to NO2 by 2। तो NCH4 कितना हमारा, 0.5 upon 1 equal to NO2 by 2, ठीक है। तो बेटा NO2 यहां से कितना हो जाएगा भाई, 2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब कि हमारा जो O2 होगा, O2 कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल। अब भाई रह गई बात, चलो हमने क्या पूछा था आपसे, वॉल्यूम। तो बेटा जब वॉल्यूम पूछा गया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, N into 22.4 liter। तो 1 into 22.4 कितना, 22.4 liter ही रहेगा आपका। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो आप, है ना। तो ये था हमारा सेकंड टाइप है जिसपे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बेटा हम यहाँ पे अभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिससे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ जाए, ठीक है। जब हम छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं तो फिर बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो हम आगे बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड टाइप जो हमको मिल रहा है। थर्ड टाइप में क्या होगा
इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और इंफॉर्मेशन एटलीस्ट टू रिएक्टेंट के बारे में आपको दिया होगा, एटलीस्ट टू रिएक्टेंट के बारे में आपको दिया होगा। तो समझो आप बात को, टू और मोर रिएक्टेंट प्रेजेंट बट इंफॉर्मेशन इज गिवेन अबाउट एटलीस्ट टू रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखो इस तरह की चीजें आ गई। जब दो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा, तो बेटा जब भी इस तरह की चीजें जब आए, दो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हो, तो उस केस में हमारा एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है आप समझो, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब यह होगा कि दो रिएजेंट विल डिसाइड द लिमिट ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन में सबसे पहले जो कंज्यूम हो जाएगा, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों आपस रिएक्ट करना शुरू किए, जो रिएक्शन पहले कंज्यूम हो जाएगा वही लिमिट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा, या जो रिएक्टेंट जो बचे हुए या रिएक्टेंट उसके साथ जो है वो कितना रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट हमारा डिसाइड करता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को और रिएक्टेंट के कंजम्पशन को। क्लियर। अब जो बाकी जो रिएक्टेंट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, अब वो कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होगा, बचा होगा, तो उस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट द रिएजेंट विच आर डिसाइड द लिमिट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्सेस रिएजेंट क्या होगा? द रिएजेंट विच आर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, या हम बोल सकते हैं लेफ्ट इन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसको, अब इस चीजों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें बहुत जानना जरूरी होता है बच्चे। आप बहुत बेसिक चीज है, इसको एक बार आप समझ लोगे तो आसानी से क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप समझो कैसे। जैसे मान लो हमने कहा, हम आगे फ्रेश पेज लेते हैं, जैसे मान लो हमने सिंपल सा, जैसे शुरू से हम अमोनिया के इक्वेशन लेते आए, तो चलो उसी को ले लेते हैं। हमने कहा N2, ठीक है, प्लस 3H2 मिलके क्या बना रहा बेटा, 2 मोल अमोनिया बना आपका। ठीक है, अब आपको मान लो कि क्वेश्चन में कहा गया कि ये भी कितना दिया गया आपको, 5 मोल दे दिया गया, और ये भी कितना दे दिया गया आपको, 5 मोल दे दिया गया। दोनों कितने दे दिए गए? 5 मोल दे दिए गए। अब आपसे पूछा जाए कि अमोनिया कितना बनेगा, तो अभी तक तो आपको सिर्फ एक रिएक्टेंट होता था, तो किसी से आप बता देते, रिलेशन चेक करते थे, बता देते थे कितना बनेगा। लेकिन यहां पे तो भाई प्रॉब्लम आ गई ना, तो अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई, तो भाई अब देखना पड़ेगा लिमिटिंग का। देखो लिमिटिंग का मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि जैसे दो लोगों को दौड़ाया जाए, मान लो एक हल्का दुबला आदमी हो जैसे मेरे जैसे, कोई एक थोड़ा सा मोटा आदमी हो, ठीक है, दोनों लोगों को दौड़ाया जाए, तो रेस का ये होगा भाई कौन जीतेगा। तो जहां पे एक बंदा, जो भाई मोटे आदमी पहले रुक गए, तो बता दूसरे हम क्या हो गए, जीत हो गए। तो जो लिमिट किसने डिसाइड की, जो पहले रुक गया, जो पहले हार गया, मतलब जो रिएक्शन में जो पहले कंज्यूम हो जाएगा वही लिमिट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की। तो अब कैसे देखेंगे, तो भाई यहां तो हम केमिस्ट्री में देखना हमको, तो कैसे देखा, तो देखो यहां पे सबसे सिंपल काम क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो यहां पे हम एक हेडिंग साइड में लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे करेंगे, तो देखो इसमें काम क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हो, यदि मान लो यहां तो हमने मोल ले लिया, आपको वेट दिया होता तो भी आप क्या निकालते, मोल। तो यदि मोल दिया आपको, तो क्या करो, जो मोल है इनके, इन इस मोल को, गिवन मोल को उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, क्या करो, डिवाइड करो। तो भाई चलो यहीं पे हम देख लेते हैं, भाई ये 5 मोल है,
इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ये भी 5 मोल है और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3 है। अब ये वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, 5, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी, ये आ जाएगी लगभग 1.66। तो अब देखो बेटा इन दोनों में मिनिमम कौन है, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है मिनिमम, और ये क्या है आपका मैक्सिमम। तो जो क्वांटिटी मिनिमम है इसका मतलब कि ये रिएक्शन में पूरा पूरा क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगा। जब कंज्यूम हो जाएगा तो यही क्या होगा हमारा, हमारा लिमिटिंग रेजेंट, यही क्या होगा हमारा बेटा, लिमिटिंग रेजेंट। तो जब हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रेजेंट हमारा हाइड्रोजन है तो इस पूरे पोर्शन का काम क्या हो जाता है, खत्म। जब हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रेजेंट ये है तो अब इस पूरे पार्ट का रोल हमारा क्या हो गया, खत्म। ठीक है, चलो भाई हम भी खत्म करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। जब हमें पता चल गया कि खत्म हो गया, ठीक है, हमारा ये लिमिट है, तो यही डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा। ठीक है, तो भाई चलो जब अब इन दोनों के बीच हम रिलेशन देखें तो कितना होगा, NH2 upon 3 equal to NH3 upon 2। तो बेटा ये कितना है, 5 by 3 equal to NNH3 by 2। तो भाई NNH3 यहां से कितना मिल जाएगा हमको, 10 by 3। ये हमें मोल किसका पता चल गया बेटा, अमोनिया का। अब अमोनिया का मोल पता चल गया, थी मान लो हमसे वेट पूछता तो वेट इक्वल टू क्या करते हैं भाई, मोल इनटू मोलर मास, तो भाई 10 by 3 into 17 कर लेते तो 170 by 3 हो जाता। क्लियर, तो इस तरीके से तो हम मान लो इसका वेट पता कर लेते। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास जो ये रिएक्टेंट है नाइट्रोजन, ये तो पूरा कंज्यूम हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ अमाउंट क्या है अभी बचा हुआ है। यदि कुछ अमाउंट बचा हुआ है तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है भाई, जैसे हमने इसका रिलेशन देखा वैसे इसका भी मोल देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई इसका भी मोल हम देख लें, तो भाई हमारे पास रिलेशन हम ऐसे लिखें, NN2 upon 1 equal to NH2 upon 3। तो बेटा NN2 upon 1 equal to ये कितना हो गया बेटा, 5 by 3। तो बेटा NN2 हमारा कितना आया, 5 by 3, मतलब 5 by 3 रिएक्ट किया होगा, तो बचा कितना होगा, मतलब रिमेनिंग N2, तो रिमेनिंग N2 कितना, 5 मोल था बेटा, 5 बाई 3 क्या हो कर गया, रिएक्ट कर गया, तो कितना हो जाएगा, 10 by 3, 3 5 15 15 minus 5 that is 10 by 3। तो ये भी कितना बचा आपका, 10 by 3 मोल बचा आपका। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से चीजें क्या कर सकते हो आप, लिमिटिंग रेजेंट के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आई। तो ये बेसिक हमने एक आपको आज आइडिया दिया कि कैसे हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने बहुत सिंपल सिंपल कुछ एग्जांपल लिए जिसके बेसिस पर आप चीजों को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो बच्चे। ठीक है, बाकी हम आगे क्लासेज में आपको बताएंगे, इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, जो जिसको आप आसानी से कर सकते हो, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वाह क्या सर आपने बताया। ठीक है, तो ये सब चीजें बिल्कुल शॉर्ट चीजें हैं जिसमें आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।